मित्रों, ड्रैगन एमएमए जिम पुणे में आप सबका स्वागत है। जैसे हम बोलते हैं, बी फाइट रेडी। और इस वीडियो को पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं हिंदी में प्रक्षेपित कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए मैं रीच करना चाहता हूँ भारत की मैक्सिमम व्यूअरशिप को। और हम सब जानते हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी देशों में हिंदी बहुत बड़ी मात्रा में बोली जाती है। तो इस वजह से ये वीडियो इन सभी देशों में, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बहुत जन को आसानी से समझ आएगी, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल ऑडियंस रीच करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। लेकिन हिंदी से हम जो अधिकतर जनता है इन सभी सार्क देशों की, वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं फाइट बिटवीन सूरज नायर एंड संजोग नाइक, मेरे खुद के दो स्टूडेंट्स सूरज नायर और अरबाज मुनव्वर खान ने रिसेंटली शिरकत की मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया कंटेंडर सीरीज़ में। जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि किसी एक ही जिम के फाइटर्स का बहुत ही अच्छा स्वागत हो रहा था बाय द कमेंटेटर तेजदार खान। संजोग एक एक्सपीरियंस फाइटर है और एक ऐसे एकेडमी से बिलोंग करते हैं जो भारत में अपने ब्राज़ीलियन जिजित्सू की वजह से गणमान्य है। लेकिन आप देख सकते हैं कि संजोग का स्प्रॉल पूरी तरह से नाकाम रहा और ड्रैगन एमएमए जिम पुणे के सूरज नायर ने एक बेहतरीन टेक डाउन में बेहतरीन कंट्रोल के साथ संजोग को ग्राउंड पे लिया है। आप ज़रूर इस फाइट के दरमियान क्लॉक के ऊपर भी नज़र रखिए कि कितने मिनट हो रहे हैं। और एक ग्राउंड एंड पाउंड की बेहतरीन शुरुआत सूरज ने यहाँ पर की है। सूरज से एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हो रही है और जिसकी वजह से इस बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज में वो फाइट फिनिश नहीं कर पाए। और वो गलती है कि संजोग की लेग्स ओपन रहे हैं, सूरज उसको ट्रैप कर सकते थे और संजोग का मूवमेंट पूरी तरह से बंद कर सकते थे। लेकिन फिर भी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई संजोग की चल रही है यहाँ पे। संजोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ब्रिज अप्लाई करें और सूरज को इस एडवांटेजेस पोजीशन से बाहर निकाले। लेकिन सूरज ने बहुत ही अच्छी तरह से बॉडी वेट डाल के रखा हुआ है संजोग पे और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पाउंडिंग चल रहा है। जैसे मैंने बोला, आप देख सकते हैं कि सूरज का एक छोटा सा यहाँ पे गलती हुआ है, इसने लेग ओपन रखे हैं और संजोग की लेग ट्रैप न करने की वजह से ये जो पाउंडिंग हो रहा है उसमें भी संजोग का कांस्टेंट मूवमेंट जारी है। लेकिन सूरज इज़ अ बिगिनर इन द स्पोर्ट्स। उन्होंने रिसेंटली एक फ़ाइट लड़ी थी जो आलम इदरीसी सर ने ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फाइटर खड़े हो चुके हैं और फिर से एक स्क्रैम्बल चल रहा है स्टैंड अप में। यहाँ पे संजोग एक एक्सपीरियंस फाइटर होते हुए भी, सूरज जो अपनी केवल दूसरी फाइट लड़ रहे हैं, उनके सामने पूरी तरह से नेस्तनाबूत नज़र आ रहे हैं। और एक यंग फाइटर सूरज, जिनको एमएमए शुरू करके हार्डली 2 से 2.5 महीने हुए हैं, वो संजोग को बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे हैं और एक एक्सपीरियंस बंदे को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। यहाँ पे जिस तरीके का पाउंडिंग संजोग को सामना करना पड़ा वो उनके लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि एक बड़े बीजेजे कैंप से बाहर आके भी इस तरह से देखिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से रॉक कर दिया था संजोग को। लेकिन अगर आप क्लॉक पे नज़र डालेंगे तो 3 मिनट अभी पूरे भी नहीं हुए, लेकिन
हूटर बच गया है। और मैं यहाँ पे स्पेशली ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये आपने पहला मुजाहरा देखा जहाँ पे रेफरिंग की पार्शियलिटी, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक फेयर एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम भविष्य में भी इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहेंगे, लेकिन जो चीज़ें सामने आई इस इवेंट के दरमियान वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस वीडियो में CFC जो ड्रैगन एमएमए जिम पुणे का ही एक अंग है, उसके हेड कोच सोहेल सर वो सूरज को केज के बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उन्होंने CFC का टी शर्ट पहना हुआ है, अरबाज सूरज को कॉर्नर करके नाइट्रो का टी शर्ट पहन के सूरज की हेल्प कर रहा है बाय गिविंग हिम सम ब्रीदिंग एयर। और ये दूसरे राउंड की शुरुआत अभी होने ही वाली है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। सूरज ने फिर से एक बार रॉक कर दिया है संजोग को। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो क्योंकि चार वीडियोस का कंपाइलेशन है और अनएडिटेड वर्जन मैंने खाली आपको दिखाने के लिए ये चार वीडियोस इकट्ठे तौर पे डाली है। मैंने काफ़ी सारे फाइट वीडियोस पहले भी अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाले हैं ड्रैगन एमएमए जिम के फाइटर्स के, लेकिन कमेंट्री में हाथ मैंने पिछली वीडियो में पहली बार ही डाला जब मैंने वेदांग परब और अरबाज मुनव्वर राणा के फाइट का उसमें विमोचन किया। इस फाइट में हम देख पा रहे हैं कि मैं हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ, जो पिछली फाइट में मैंने इंग्लिश में किया। हालांकि उसका भी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू द ऑर्गेनिक व्यूअरशिप विच वी आर जनरेटिंग। माफ़ कीजिएगा, बीच में इंग्लिश आ जाता है क्योंकि नेचुरली हम इंग्लिश में ही वार्तालाप करते हैं, तो उसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आ जाता है जब भी हम संभाषण की शुरुआत करते हैं। बहरहाल ये सेकेंड राउंड की शुरुआत है रियल में, और ग्लव्स टच करके दोनों भी फाइटर्स ने इकट्ठा शुरुआत की है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही भद्दे किस्म का ग्रोइन स्ट्राइक का इल्ज़ाम सूरज पे लगाते हुए संजोग नायक, अगर आप इस वीडियो को रिवर्स करके वापस से भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि सूरज ने कोई ग्रोइन स्ट्राइक यहाँ पे किया नहीं है। और बहुत ही गलत किस्म का इल्ज़ाम सूरज पे लगाया गया कि उसने ग्रोइन स्ट्राइक यहाँ पे अटेम्प्ट किया। हालांकि सूरज इथिकली मॉरली बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने जिम में स्पारिंग के दरमियान या कभी भी कोई भी गलत हथकंडा नहीं अपनाया है जीत पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे संजोग नायक एक गलत ग्रोइंग स्ट्राइक का इल्ज़ाम लगाते हुए टाइम कंज्यूम कर रहा है, और इसी टाइम कंजम्पशन के वजह से संजोग को मिल रहा है एडवांटेज, क्योंकि उसको ब्रीद इन करने का मौका मिल रहा है। और रेफरी ने यहाँ पे सीधी तरह पे सूरज को वार्निंग दी है कि उसका एक पॉइंट का डिडक्शन होगा। और कभी भी अगर कोई भी इल्लीगल मूव होता है और सामने वाला अपोनेंट अगर लड़ने के लिए तैयार है, तो एज पर द इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन रूल्स वहाँ पे एक वार्निंग दी जानी चाहिए, ना कि स्ट्रेट वे पॉइंट डिडक्शन। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से स्ट्रेट वे सूरज का पॉइंट डिडक्ट किया गया है, और यहाँ पे सूरज का जो पॉइंट डिडक्ट होगा वो इस राउंड के लिए होगा एज पर द रेफरी। तो उसके बाद फाइटर को वो राउंड जीतने के लिए बहुत ही बड़ा डोमिनेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एज़ पर द MMA रूल्स
अगर आप एक राउंड में बहुत ही ख़राब परफॉर्म करते हो तभी आपके 8 या 7 पॉइंट बन जाते हैं। तो ऑलरेडी 1 पॉइंट डिडक्शन हो चुका है, तो सूरज को 9 पॉइंट्स से यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा इस राउंड में एटलीस्ट। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जैप और इनक्रेडिबल यहाँ पे बॉक्सिंग का मुजाहरा करते हुए सूरज, और सूरज ने ये फ्राइट अभी केज तक लेके गए हैं। दोनों भी ड्रैगन्स ने बहुत ही उच्च कोटि का रेसलिंग इस फाइट में दिखाया है और मजबूर किया है उनके अपोनेंट्स को कि वो रेसल या ब्राज़ीलियन जिजित्सु का इस्तेमाल ना करें। जैसे हम जानते हैं कि रेसलिंग अगर क्वालिटी हो तो ब्राज़ीलियन जिजित्सु ज़्यादा काम नहीं आता। और यहाँ पे सूरज को ग्रोइन स्ट्राइक, बहुत ही गंदा किस्म का ग्रोइन स्ट्राइक सूरज को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरी ने संजोग नाइक को थोड़ा बाजू किया है और सूरज को रिकवरी टाइम दिया है। यहाँ पे एक जेन्युइन ग्रोइन स्ट्राइक, हालांकि कैमरास के वजह से आप यहाँ पे नहीं देख सकते थे, लेकिन सूरज को एक बहुत ही भद्दा किस्म का ग्रोइन स्ट्राइक यहाँ पे सामना जाना पड़ा। और सूरज एक रियल वॉरियर है, एक रियल नायक, बहुत ही बेहतरीन जैब फिर एक बार। और यहाँ पे एक डॉग फाइट चलते हुए, डॉग फाइट जिसको MMA बोलते हैं, दो कुत्तों की लड़ाई, ये टर्म जो आई है वो एयरप्लेन्स में, फाइटर प्लेन्स में जो फाइट होती है उसकी तरफ से आई है। लेकिन दो कुत्ते जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से भिड़ के एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से वो स्क्रैम्बल हमें देखने को मिला वापस से। जैसे मैंने बोला कि हम 5 व्हाट्सएप वीडियोस का कंपाइलेशन करके क्योंकि दिखा रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि वापस से हम उस डॉग फाइट की तरफ बढ़ेंगे। अभी जैसे ही सूरज ने उठ के रिकवरी टाइम ख़त्म करके, देख सकते हैं आप जैब वापस से बहुत ही खूबसूरत, एक उच्च दर्जे का टाइमिंग, जिस तरह से हमारे महान बॉक्सर विजेंद्र सिंह ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लगाते हैं, उसी तरीके का जैब सूरज ने लगाते हुए। और ये डॉग फाइट की शुरुआत हो चुकी है। दो बहुत ही अच्छे बॉक्सर हम बोल सकते हैं यहाँ पे भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। सूरज ने ये दिखा दिया है कि वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग इंडिया में किसी से भी पीछे हटने वाला नहीं है, और इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग वो किसी से भी भिड़ सकता है। और ये बहुत ही घटिया किस्म का रेफरी डिसीजन, ये कैसा डिसीजन हमने देखा। ये फाइट पूरी तरह से सूरज ने डोमिनेट किया हुआ है, संजो के यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का उन्हें अभिमान है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सूरज को खाली एक जैप मिला है, इसमें सूरज पूरी तरह से अवेक है, पूरी तरह से कंट्रोल में है, फिर भी रेफरी ने यह फाइट रोक दिया है। ये बहुत ही अचरज वाली बात है। और यहाँ पे फाइट रोकने के लिए कौन सा कारण रेफरी बता रहे हैं कि आपको एक जैब मिला है, आप उसके बाद स्लिप हो गए हैं। यहाँ पे सूरज पूरी तरह से अवेक है, वो फाइट करने के लिए तैयार है, वो ग्राउंड पे उसका डोमिनेंस दिखा चुका है, फिर भी रेफरी ने ये फाइट जारी रखने से मना कर दिया, जो कि बहुत ही आश्चर्यकारक है। सूरज ने स्पोर्टिंगली अपनी ये रेफरी के वजह से आई हुई डिफीट एक्सेप्ट कर ली है, और यहाँ पे उसका एक बहुत ही बेहतरीन मुजाहरा उसने किया है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगेन यहाँ पे ताजदार खान जो एंकर है उनकी एंट्री ऊपर हो चुकी है। जैसे रेफरी राह ही देख रहे थे कि कब संजोग एक ढंग का पंच लैंड करे और वो फाइट रोक दे। और अनफॉर्चुनेटली आखिर वही हुआ कि संजोग ने पूरे फाइट में कुछ भी ढंग का नहीं किया था, जैसे आप देख पा रहे थे एक ढंग का पंच उसने लैंड किया, और अनफॉर्चुनेटली टू सूरज वही फाइट रुक गई है। आप कितना भी षड्यंत्र कर लो लेकिन असली टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, उसका एग्जांपल है अरबाज़ खान। मैं इस वीडियो में एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि है किसी और क्लब के फाइटर्स का। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसी इवेंट में रेफरिंग किसी लेवल की हुई थी, ये आप देख पा रहे हैं।
एज पर माय फाइटर्स एज पर माय कॉन्वर्जेशन विद द गाइज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, यहाँ पे कोई भी ब्रीफिंग नहीं हुई थी कि रेसलिंग स्लैम अलाउड नहीं है, और यहाँ पे किसी को ये बताया नहीं गया था कि रेसलिंग स्लैम अलाउड नहीं है। हालांकि एमेच्योर इवेंट में, इस इवेंट में उन्होंने नीज अलाउ रखी थी, जिसका पुरजोर उपयोग मेरे फाइटर सूरज ने और उसके अपोनेंट संजोग ने भी किया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक गिलिटीन बैठा हुआ था फ्रॉम द गाय इन द रेड ट्रंक्स, एंड ब्लू ट्रंक्स वाले ने उस गिलिटीन से खुद को एस्केप कराने के लिए उसको नीचे लेके गया। हालांकि ये प्रॉपर स्लैम भी नहीं था, उसको नीचे लेके गया, तो डायरेक्टली रेफरी ने उस ब्लू ट्रंक के बंदे को डिसक्वालीफाई कर दिया और ये फाइट वहीं पे रोक दी। एज पर व्हाट माय गाइज हैव कन्वेड मी, ये बंदा जिसकी टीम यहाँ पे लगभग 8 फाइटर लेके आई थी, जिनके 2 फाइटर्स के फाइट भी बाकी थे, उन्होंने इस इवेंट से वॉकआउट ही कर दिया आफ्टर वॉचिंग दिस डिसीजन, जो कि मेरे ख्याल से पूरी तरह से फेयर है, क्योंकि स्लैम नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ऐसा कभी भी बताया नहीं गया था। उसके ऊपर ये तो प्रॉपर स्लैम भी नहीं था। आप एक एमेच्योर इवेंट में नीज अलाउ कर रहे हो और स्लैम अलाउ नहीं कर रहे हो, तो ये किस किस्म का एमेच्योर इवेंट है? हमने हमारे परम मित्र शिबा प्रधान सर के ऊपर विश्वास रखते हुए इस इवेंट में शिरकत की, लेकिन जब हम इस किस्म का रेफरिंग देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इंडियन एमएमए में ये नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे फाइटर्स ने मुझे बताया कि जिस टीम के इस बंदे को इस घटिया डिसीजन का सामना करना पड़ा, उसके पूरे टीम ने वॉकआउट कर दिया इस इवेंट से एज सून एज इस किस्म का डिसीजन हुआ। हालांकि मेरे ख्याल से जो भी इस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी है या टेक्निकल डायरेक्टर्स है, इनको ये डिसीजन वापस लेना चाहिए, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि सूरज का भी डिसीजन वापस लिया जाए।